नमस्कार, मैं तस्नीम सैफी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल तस्नीम्स विज्ञान शास्त्र. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड अ लेसन साइंस वन, दैट इज स्पेस मिशन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पेज नंबर 142. ऑन दैट पेज वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मून मिशन, मार्स मिशन एंड मिशन टू अदर प्लैनेट्स. नाउ टू द मून मिशन. बिफोर दैट, on page number 141 it is given that do you know. Now in this do you know that the astronomical object closest to us is the moon. जो हमारे सबसे पास astronomical object है in our universe वो क्या है, earth के पास, that is the moon. And this particular sentence it was came as a fill in the blank in March 2020 SSC board paper. So what it says, we know that the light speed of light is too fast and it reaches in 1 second from moon to the earth. यानि moon से earth की तरफ अगर light reach होती है तो 1 second में ये reach होती है. It means that if we travel with the speed of light, we can reach towards the moon within 1 second. कितनी अमेजिंग बात है ना. सो हवेवर व्हाट अबाउट द स्पेस क्राफ्ट. अब इतना तेज तो स्पेस क्राफ्ट नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट, दे आर हैविंग डिफरेंट स्पेस स्पीड एज वेल एज इट्स डिफरेंट, यू कैन से द टाइम पीरियड. सो हियर इट इज गिवन दैट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच टू द मून एंड द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून इज नथिंग बट द 8 hours and 36 minutes. सो यू नो दैट it also takes 3 days for a spacecraft to reach to the moon. That is 386,400 kilometer distance वो cover करता है, जो कि distance है earth और moon के दरमियान. यही distance है earth और moon के दरमियान और वही ये 3 day में स्पेसक्राफ्ट कवर करता है. देर इज डिफरेंट डिफरेंट स्पेसक्राफ्ट. और एक है जो सोवियत यूनियन ने बनाया था, दैट इज द फास्टेस्ट मिशन वाज लूना 1 इन 1951 में. लूना 1 ने भी ये डिस्टेंस नियर अबाउट 36 आवर्स में कवर किया था. आफ्टर दैट नासा हैज इन्वेंटेड एंड नासा हैज अगेन फॉर्म अ फास्टेस्ट, यू कैन से द स्पीड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, दैट इज द न्यू होराइजन प्लूटो मिशन था, जिसका स्पीड था नियर अबाउट 16.26 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी दिस इज 8 hours 36 minutes में न्यू होराइजन प्लूटो मिशन ने सबसे कम समय में ये दूरी तय की है. सो दिस इज वॉट वी हैव टू नो अबाउट द moon and the earth or the distance travel and covered. So now next moving toward it, that we are going to see ki ye distance jab cover hota hai to moon aur earth ke darmiyan ki jo duri hai wo alag alag spacecraft apne hisab se tay karti hai. Jaise ki aapne dekha Soviet Union ka Luna 1 aur NASA ka Horizon, New Horizon. So according to that, now what is the moon mission? So moon mission, now it is since the moon is the closest astronomical object जो हम जानते हैं, the first space mission to the object in the solar system were the mission to moon. सबसे पहला हमारा जो mission था, क्योंकि सबसे nearest object यही है moon, तो यही हम तय करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कैसा है temperature, कैसा है density, कैसी है. यहाँ पर chemical analysis moon का करना है, उसकी gravity, density, radiation, this all things we have to see. So for that the different countries they have launched or executed by the USA, Soviet Union, European countries, China, Japan and India. इस तरह से इन्होंने अपने अपने तरह से स्पेस मिशन को कवर किया. एंड यू विल सी दैट द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय यूनियन Soviet Union reached the near the moon and Luna 2 launched in 1959. जो पहला वाला ऐसा क्राफ्ट था और वो 1975 तक ये चला. आप जानते हो कि ऐसे अलग अलग तरह के स्पेस क्राफ्ट, नियर अबाउट 15 स्पेस क्राफ्ट केमिकल एनालिसिस के लिए, अलग अलग सर्चिंग ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किए गए हैं. सो लेट्स सी अबाउट द मून. यू नो दैट मून इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट.
ये फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है यूनिवर्स का, जबकि जुपिटर का सैटेलाइट है लो, द मून ऑफ जुपिटर लो, दैट इज द सेकेंड डेंसिएस्ट सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम। और आप जानते हैं इस मून का मास कितना है? यू नो दिस इज द ब्यूटिफुल इमेज ऑफ द मून, एंड द मास ऑफ द मून इज 7.342 × 10^22 किलोग्राम, एंड इट्स सरफेस ग्रेविटी इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव स्टडीड इन द ग्रेविटेशन लेसन अबाउट द सरफेस ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड द मून, हमने तभी कंपेरिजन एग्जाम्पल के थ्रू देखा है। सो इफ यू वॉन्ट टू रिकॉल प्लीज सी माई लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन। ओके, सो नाउ वी नो अबाउट द सरफेस ग्रेविटी एंड द एस्केप वेलोसिटी। आप जानते हो मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? इट इज नथिंग बट 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट यू वॉन्ट टू नो, दैट द मून इज सिंक्रोनस रोटेशन, सिंक्रोनस पोजिशन में है मून। सिंक्रोनस मीन्स वॉट? कि इट इज एट द फिक्स पोजिशन और द सेम विद द अर्थ, दस इट ऑलवेज शोज सेम साइड। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि वो एक ही साइड अर्थ को हमेशा फेस करता है, जिसकी वजह से आप ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून यू कैन सी, बिकॉज वी कैन सी ओनली वन पार्ट, वन पोजिशन ऑफ द मून एट द डिफरेंट डिफरेंट लेवल। दैट्स वाई वो एक ही सरफेस है जो अर्थ की तरफ पोजिशन कर रहता है, और वो इस तरह से रोटेट होने की वजह से वी आर एबल टू सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, एंड दिस शोज द न्यू मून एंड द फुल मून डे। इतना ही नहीं बल्कि इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसेस ओशियन टाइप्स, ये जो फेजेस होते हैं ये फेजेस चेंजेस होने के समय, बिकॉज ऑफ द मून ग्रेविटेशन एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट शोज द ओशियन टाइड्स, बॉडी टाइड्स, लेंथनिंग ऑफ द डे। लेंथनिंग ऑफ द डे मीन्स दिन छोटा, रात छोटी, दिन बड़ा, रात बड़ा। जब आप जानते हो कि जून टू दिसंबर, दिसंबर टू जून, हाउ इट शोज द डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द सनराइज सनसेट अलॉन्ग विद द मून। सो इन दिस वे दिस ऑल थिंग्स आर शोइंग द सिंक्रोनस पोजिशन ऑफ द मून। नाउ हियर वी विल सी द सर्फेस। दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्फेस ऑफ द मून। इट वॉज टेकन बाय द डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स वेन दे विजिटेड ओवर देयर, एंड द सैटेलाइट्स विच वॉज रोटेटिंग अबाउट एंड ऑब्जर्विंग। सो द सर्फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मून, इट्स टेम्परेचर एट द इक्वेटर इज मिनिमम 100 केल्विन, और आप जानते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? दैट इज 390 केल्विन ऑफ द सर्फेस, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मून। यहां पर आप दिखाई देगा कि नॉर्थ पोल है मून का। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट डिफरेंट यू कैन सी द पिक्चर एंड द पोजिशन ऑफ द मून। नाउ दिस इज द अदर साइड ऑफ द मून। हम मून की एक साइड देखते हैं, और मून का जो दूसरा साइड है विच इज अनेबल टू सी, जो हमें नहीं दिखाई देता है, दैट इज द शेप एंड स्ट्रक्चर। यू सी दिस इज द अदर साइड ऑफ द मून विच वी आर अनेबल टू सी। नाउ हियर दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, और ये सारी चीजें पिक्चर्स हमें कैसे मिली? तो जाहिर है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मून मिशन। सो इन दैट मून मिशन यू विल सी दैट द मून वॉज फर्स्ट टाइम रीच्ड बाय द ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, दैट इज द लूना 2। लूना 1 एंड लूना 2 था, जबकि ये लूना 2 वहां पर सितंबर 1959 दिस स्पेसक्राफ्ट वॉज used over there, and you know that it was the first attempt of the Soviet Union, and it gives the different different beautiful pictures to us. And not only this, iske baad bhi different 15 spacecrafts made analysis of the chemical analysis of the moon and measured its gravity, check kiya density, radiation, kai sari cheeze observe ki Luna 2 ke baad bhi kai sare space missions ho chuke hai. And along with that, you will see here, this is how the different space station through which we are having the moon mission. Now, after that, the NASA tried, and that is the Apollo 11 was the best and successful attempt with the man, that is human beings are carried in this particular space mission. And the NASA, that is the Apollo program, that was achieved the man lunar mission on 1968.
इट इज सेड दैट द सिक्स मैन मिशन वॉज लैंडिंग बिटवीन 1969 टू 1972 एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस मिशन वॉज दैट सम ऑफ दीज वेयर मैन मिशन और ये मैन मिशन में सबसे पहला वाला था दैट इज इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट पर्सन ये एल्ड्रिन है नील आर्मस्ट्रांग एंड कॉलिंस ये लोग तीनों ये मून मिशन के लिए जा रहे हैं देखिए किस तरह से ये सारे तैयार है दीज आर द थ्री ग्रेट हीरोज दोज हू हैव लैंडेड ओवर देयर सो नाउ मूविंग टू दिस मून मिशन वी विल सी दैट इट वॉज द स्पेस क्राफ्ट इन विच द नील आर्मस्ट्रांग एंड द पायलट दैट इज द बज एल्ड्रिन ये वाले ये अमेरिकन दोनों वहां पर लैंड हुए जबकि आर्मस्ट्रांग पहले पर्सन थे वहां पे लैंड करने वाले एंड एल्ड्रिन जॉइन हिम नाउ हियर दिस इज द यू कैन सी द स्पेस मिशन मून स्पेस मिशन जब अपोलो लॉन्च हुआ तो ये है उनका कैनेडी स्पेस सेंटर से उनकी टीम ये इतनी बड़ी टीम इस मिशन में थी ऐसे नहीं कि कोई दो तीन का मिशन इट इज एन नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग एंड देयर हार्ड वर्क गिव्स अस द सक्सेसफुल इवेंट्स सो दीज आर द डिफरेंट मेंबर्स इन द स्पेस सेंटर गवर्नमेंट स्पेस सेंटर दे आर वर्किंग थ्रू द पर्टिकुलर मून मिशन एंड यू नो दैट दे स्पेंट नियर अबाउट 2.5 hours आउटसाइड द क्राफ्ट यहाँ पर देखिए ये इन्होंने लैंड किया है एंड दिस वॉज द पिक्चर टेकन बाय द नील आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन एंड ही वॉज द बज एल्ड्रिन हु जम्प्स डाउन ये जो बाहर यहाँ पे अपने स्पेस क्राफ्ट से धीरे धीरे जम्प कर रहे हैं ये आप देखोगे कि आर्मस्ट्रांग ने फोटो लिया है और इस तरह से इनका मून मिशन कामयाब हुआ एंड दे स्पेंट 2.5 hours एंड यू नो दैट 47.5 pounds ऑफ लूनर मटेरियल इन्होंने यहाँ से कुछ पत्थर कुछ मिट्टी ये लेकर अपने साथ आए देखने के लिए कि व्हाट थिंग्स आर देयर कैसे है वहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ 8 days 3 hours एंड 18 minutes का इनका स्पेसक्राफ्ट का ड्यूरेशन था जो दूसरा वाला था अपोलो CSM एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय द रॉकेट सैटर्न VSA-506 थ्रू द कैनेडी स्पेस सेंटर यू विल सी दिस पिक्चर आप ये क्लोजअप व्यू देख सकते हो इन दिस क्लोजअप व्यू ऑफ बज एल्ड्रिन है ये और ये वॉक कर रहे हैं मून पर तब यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग ने इनका पिक्चर लिया था और इनके इस फेस पे जो ये हेलमेट लगा वो ग्लासी इफेक्ट है उसमें आप उनका रिफ्लेक्शन देख सकते हो कि ये पिक्चर ले रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन व्यू ऑफ लूनर मॉड्यूल एंड हिज फोटोग्राफर नील आर्मस्ट्रांग विजिबल इन दिस बज वाइजर के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं तो यू विल सी दैट द एल्ड्रिन के यहाँ पर आप शेडो भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको मीन्स इट शोज दैट द सन इज एग्जैक्टली बिहाइंड हिम या इनका शेडो किस तरह से यहाँ पर सामने की तरफ आपको दिखाई देता है तो दीज आर द ब्यूटिफुल पिक्चर्स वेयर taken by this great heroes and it's really a great event for the universe now moving ahead these are the three great personalities we know that Neil Armstrong Collins and Aldrin now they have taken all these activities through the Kennedy Space Center ye hai Kennedy Space Center so in this way the moon mission was successfully launched but it is not only their event now moving to our mission that is the move to the Indian history ki taraf move hote hain near about 499 AD mein Indian astronomer Aryabhatta ne mention kiya tha ki sunlight ke bare mein ki it causes behind shining of the moon hamara moon shine kyun karta hai iske piche kya logic hai तो इस तरह से 1609 में गैलीलियो ने यह टेलीस्कोप के द्वारा प्रूफ कर दिया था और इस तरह से आर्यभट्ट जी ने पहले ही हमें सनलाइट के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं सो कीपिंग ऑन दिस माइंड द फर्स्ट अनमैंड अर्थ सैटेलाइट मेड बाय द इंडिया दैट इज आर्यभट्ट एंड दिस वॉज नेम्ड एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ फिफ्थ सेंचुरी के आर्यभट्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया था
एंड दिस वॉज असेंबल्ड इन द बेंगलोर एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सोवियत यूनियन. ये इसरो ने बनाया था प्रोजेक्ट इंडिया में, लेकिन ये लॉन्च रशिया के रॉकेट से हुआ था ऑन अप्रैल 1975 एंड इट्स पावर इज अ 46 वैट जितना इनका पावर था. एंड यू नो इट वॉज एंड जियोसेंट्रिक लो अर्थ ऑर्बिट टाइप के ये सैटेलाइट है. और इनका द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट वॉज गिवन बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका नाम रखा था. और ये है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सारा भाई, जो श्रीहरिकोटा इनके वहाँ से ये लॉन्च हो गया था. और इस तरह से द ग्रेट ऑल पर्सनालिटीज, इंडियन पर्सनालिटीज, दे हैव टेकन कॉग्निजम फॉर ऑल दिस मिशन. और इस तरह से आर्यभट्ट का लॉन्च हुआ. एंड यू नो दैट नॉट ओनली दिस, बट इस प्रोजेक्ट का खर्चा भी बहुत था. एंड फॉर दैट रीजन द रिजर्व बैंक प्रिंटेड एन इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर आर सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन द 2 रुपीज नोट. तो ये हमारी 2 रुपीज की नोट पर इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट जो पहला अनमैन मिशन था उसका पिक्चर भी प्रिंट करवा दिया गया था. एंड यू नो इट रीसेंटर्ड इन द एटमोसफियर ऑफ अर्थ आफ्टर 17 ईयर्स के बाद ये रीसेंटर हुआ हमारे अर्थ एटमोसफियर में. That is on 11th Feb 1992. So this was a small story of moon mission of our India. Itna hi nahi, there are different, you can say the mission was accomplished. And this was the Chandrayaan 1. Aur ye Chandrayaan 1 bhi pehla moon mission hai, which was launched on 2nd October 2008 from Sriharikota. And it's orbiting and height of 100 kilometer ki height se ye earth se orbit kar rahe hai. And it is doing the chemical analysis, that is the mineralogy and photogeological मैपिंग ऑफ द मून. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट किस तरह से यहाँ पर, ये आप एक स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट दैट इज अ रिफ्लेक्शन एंड इट इज कवरिंग द पार्ट एंड चेकिंग द एंड इट इज डूइंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स ग्रेविटी डेंसिटी एंड द मिनरोलॉजी. सो इन दिस वे द चंद्रयान वॉज वर्किंग. एंड नॉट ओनली दिस, बट इट इज ऑल्सो शोइंग द प्रेजेंस ऑफ वॉटर ऑन द मून. अगर आप देख सकते हो तो चंद्रयान 1 दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू सी टू फाइंड द वॉटर ऑन द मून. क्या चांद पर पानी है, क्या वहाँ पर लाइफ सर्वाइव हो सकती है, ये भी ऑब्जर्व करना था. सो फॉर दैट दे हैव यूज दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट फॉर दिस मिशन. इन दिस वे the different satellites are working and doing the different functions. So now moving ahead to our next, that is the Mars mission. Ab hum dekhte hain Mars mission, what is that? The aim of the Mars mission is nothing to study the surface of the red giant. रेड जायंट के सरफेस की हमें ऑब्जर्वेशन और स्टडी करने के लिए. एंड नेक्स्ट टू द मून, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ, दैट इज द मार्स. एंड मेनी नेशन स्पेंट स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स. कई सारे नेशन ने अपने अपने अलग अलग स्पेसक्राफ्ट यूज किए हैं. और नियर अबाउट हाफ ऑफ द मिशन वेर अनसक्सेसफुल. And the ISRO also performed in this mission and they shows the remarkable progress. And you know, we are proud of it. So our progress was Mangalyaan. And the mission Mars के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे. So इस red giant की study करने के लिए हमारा Mangalyaan पूरी तरह से तैयार. And this Mangalyaan was orbiting Mars since 24 September 2014, which was launched by the Indian Space Center ISRO on 5th November 2013. And it was planned for 6 months of the duration. It was launched by the site Satish Dhawan Center, Sriharikota. And you know, Mars, it is a much denser and the colder planet than the Earth. And you know that carbon dioxide rich in atmosphere of Mars. 2.7% of nitrogen is present in this Mars and only 0.13% oxygen, only 0.13% oxygen is present. Or itna nahi, from this you will see this is the mass of this particular satellite which was launched in this particular orbit. Or
different different from 1960 many satellites sent but many of them failed. और यहाँ पर एक Mariner 4 NASA ने जो 1964 में भेजा था वो successful हो गया and in 1971 Soviet Union also succeeded. एंड दिस वॉज द पिक्चर टेकन बाय द मंगलयान. मंगलयान से लिए हुए ये कुछ मार्स के सरफेस के पिक्चर्स है जो आप देख सकते हो. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट पिक्चर्स एंड द डिफरेंट स्टोरीज एंड द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व बाय द डिफरेंट सैटेलाइट. एंड दिस इज वॉट थ्रू विच द PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च वहीकल से ये लॉन्च किया गया था इसरो से. और नासा ने भी जो लॉन्च किया था प्रोजेक्ट दैट इज द रोवर मिशन. दिस वॉज रियली अ सक्सेसफुल इवेंट एंड इट इज अ रोबोटिक मिशन. ये आप देख सकते हो रोबोटिक मिशन है ये रोबोट वाला जो है रोवर इसे यहाँ पर लॉन्च करके मार्स पर लैंड कर दिया गया था. एंड दिस वॉज वर्किंग एंड मूविंग इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मास. और ये इतना ही नहीं इट बिगेन इन 2003 एंड लैंडेड ऑन जनवरी 2004. और इसका लास्ट कम्युनिकेशन नियर अबाउट मार्च 22, 2010 तक ये चलता रहा. और उसका लास्ट कम्युनिकेशन नियर अबाउट 25,000 हजारों फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स इस रोवर ने हमें भेजे हैं. And we have got lots of things regarding, lots of information regarding the Mars. बट जब ये लॉन्च करते हैं वहीकल तो मास के लिए अवर इंडिया यू नो दे हैव यूज्ड वन नई स्ट्रेटजी हाउ दे लॉन्च बिकॉज अवर प्रोजेक्ट एज कम्पेयर टू नासा एंड सोवियत यूनियन वॉज लिटिल बिट लेस यू कैन से इकोनॉमिकली बेस्ट यानी थोड़ा चीप था कम पैसे वाला कम बजट वाला था. तो उन्होंने कैसे आइडिया लगाई आप जानना चाहोगे. यू नो दैट दिस इज द ऑर्बिट दिस इज द सन अर्थ एंड हियर इट इज़ द मास. तो जब ये मास रोटेशन और रिवोल्यूशन सर्कल हमारा होता है तब ये बहुत दूर है. और जब ये दूर है और एक समय ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम द मार्स कम क्लोजर टू द अर्थ. और जब ये मार्स अर्थ के बहुत करीब होता है तब हमने हमारा मिशन सक्सेसफुल करना है. मीन्स ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वी हैव टू लॉन्च द सैटेलाइट सो इट विल नॉट कॉस्ट मच मोर. और हमें ज़्यादा दूर तक भी जाना नहीं पड़ेगा. सो व्हेन इट इज़ वेरी क्लोज दैट टाइम द सैटेलाइट वॉज लॉन्च एंड देन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन दिस सैटेलाइट देन इट मूव्स टूवर्ड्स दिस ऑर्बिट. इस अर्थ के ऑर्बिट में से फिर वो मार्स की ऑर्बिट में जाएंगे. देखो इट इज मूविंग व्हेन द मार्स इज वेरी क्लोज टू द अर्थ दैट टाइम दिस सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड देन इट इज स्पीड ऐसे बढ़ाकर फिर उसे मार्स की ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है. इट गोज टूवर्ड्स देन सी व्हेन अर्थ मूव्स अहेड देन दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट गोज टूवर्ड्स द मार्स ऑर्बिट. और फिर ये मार्स के ऑर्बिट में पूरी तरह से भ्रमण करते हुए हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन में इट गिव्स अस द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. इन दिस वे द मार्स मिशन वॉज सक्सीडेड. मंगलयान या चंद्रयान से इस तरह से ये प्लान किया गया और लॉन्च किया गया. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स एंड द स्टडीज. इट इज रियली अ वास्ट स्टडी फॉर द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड इट इज डन बाय आर इंडिया अ सक्सेसफुल इवेंट. सो नाउ नेक्स्ट दैट इज मिशन टू अदर प्लैनेट्स. बस सिर्फ मार्स और मून तक ही सीमित नहीं है. तो हम जानते हैं कि हमें दुनिया की या यूनिवर्स स्पेस की और भी कई सारी चीज़ें देखने का शौक होता है. वी आर इंटरेस्टेड टू सी एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो अलॉन्ग विद द मार्स मेनी स्पेस क्राफ्ट्स वेर सेंट टू अदर प्लैनेट्स ऑल्सो एज वेल एज एस्टोरॉइड्स एंड द कॉमेट्स की पढ़ाई करने के लिए. सम हैव द ऑर्बिटेड द प्लैनेट्स सम हैव जस्ट पास्ड नियर द प्लैनेट्स एंड ऑब्जर्व them. कई उसके पास से पास हो गए कई उन्होंने ऑब्जर्व किया. सी हियर द डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स द सैटेलाइट्स दे जस्ट पास थ्रू द प्लैनेट्स सम आर ऑर्बिटिंग एंड दे हैव ऑब्जर्व एंड दिस स्पेसक्राफ्ट हैव ऑल्सो कलेक्टेड सम डस्ट एंड द स्टोन्स. आप देख सकते हो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है स्टार्स दिखाई दे रहे हैं कुछ पथरीले देखो यहाँ पर ऐसे कुछ पथरीले दिखाई दे रहे हैं एस्टेरॉइड्स हैं अलग अलग तरह के. सो इन दिस वे दे हैव ऑब्जर्व एंड वी आर गेटिंग द वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम all these missions clarifying. Additionally, spacecraft have been sent to observe the asteroids and comets ko bhi dekho yahan par this is the Saturn, this is the Jupiter and this is the satellite which is observing the rings of the Saturn or you can say the density and the different moons of the
जुपिटर, इस तरह से ये सैटेलाइट वहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाते रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखोगे दिस इज द रोबोट नेम और ओसायरिस रेक्स। ओसायरिस रेक्स ये वाला जो रोबोटिक सैटेलाइट था, इट वॉज लॉन्च्ड एंड इट टर्न्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ आउटर स्पेस डस्ट सकिंग। आप देख सकते हो कि छोटा सा यहाँ पर एक पार्ट है जो बाहर की तरफ आ रहा है, विच वॉज टेकिंग द डस्ट एंड वन ऑफ द पार्ट फ्रॉम द एस्टेरॉयड से, और स्पेस से मिट्टी, थोड़े से पथरीले पार्ट या थोड़ी सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो अपनी तरफ सक करके इस पर्टिकुलर मशीन, दिस इज द सैटेलाइट, वो अपनी तरफ रोबोटिक प्रोसेस से यहाँ अर्थ पर लेकर आए हैं ऑन September 7, 2016 फ्रॉम द फ्लोरिडा, फ्लोरिडा नामक ये जगह है वहाँ से। एंड द बेनू नियर अर्थ एस्टेरॉयड, अ स्मॉल साइज माउंटेन लाइक एस्टेरॉयड था बेनू, जहाँ से 500,000 एस्टेरॉयड्स जो सोलार सिस्टम है उसमें से बेनू, उसकी स्टडी भी इस पर्टिकुलर रोबोटिक सैटेलाइट ने की है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट बाय नासा, इट विल वर्क फॉर 7 years, यानी कई सारे सालों तक ये वर्क करेगा और ऑब्जर्व करेगा। इट इज़ द मेन गोल टू गैदर द डर्ट एंड डेब्रीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पेस, इट इज़ नॉट अ जोक, इट्स रियली अ ग्रेट इन्वेंशन, एंड द स्पेस क्राफ्ट विल नॉट लैंड बट इट इज़ वेरी क्लोज एंड रीच आउट विथ एन आर्म लाइक, ये देखेंगे आप आर्म लाइक जो पोजिशन है वो रीच करेगा, वहाँ पर लैंड नहीं करेगा, बस एक छोटा सा पार्ट उसमें से सक कर कर ये लेगा। इन दिस वे से दिस इज द एस्टेरॉयड एंड इट इज द ओराइसिस, ये वाला जो है सैटेलाइट यहाँ पर ये रोबोटिक वहाँ से कुछ मटेरियल कलेक्ट करेगा। इन दिस वे we are able to see the different missions, moon, mars and different planets, which is helpful us for the collecting information. And what about the origin and evolution of the solar system? I hope aapko ye part bahut interesting laga hoga, but how much information I can give on the small PPT? Classroom sessions अलग होते हैं, PPT is the different part. Whatever I could collect for you, I have given my best. If you like my video, like my teaching, please share it, subscribe करिए और like करिए। जय हिंद।